किसी अविनेश महर्षि जी को आप चुनाव जिता करके भेजिए, अगर राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनती है तो भाइयों बहनों हम राजस्थान के विकास में योगदान देंगे, अन्यथा केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार आपकी भावनाओं के साथ सम्मान के साथ कार्य करेगी। भाइयों बहनों 5 वर्ष पहले कही गई बातों को ही आगे बढ़ाने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। ये श्री अविनेश महर्षि जी का ही स्नेह है कि मुझे यहां पर फिर से आने का अवसर प्राप्त हो पाया है। भाइयों बहनों मेरे कार्यक्रम लगे हुए थे, बहुत सारी जगह कार्यक्रम लगे हुए हैं, लेकिन उसी में ये हुआ कि रतनगढ़ की जनता से, जनता जनार्दन से हम लोगों ने पिछली बार जो वायदा किया था उस वायदे को निभाने के लिए और उस संकल्प की प्रतिपूर्ति के लिए एक बार फिर से मैं अपील करने के लिए रतनगढ़ आऊं। रतनगढ़ का गोरखपुर से और उत्तर प्रदेश से बहुत अभिन्न संबंध है और भाइयों बहनों उसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। पिछले 5 वर्ष में राजस्थान में जो कुछ हुआ भाइयों बहनों ये पीड़ादायक है। राजस्थान की कांग्रेस नेतृत्व की सरकार जन विश्वास खो चुकी है, आज यहां पर अव्यवस्था है, अराजकता है, गुंडागिर्दी है, भ्रष्टाचार है। राजस्थान जो वीर और वीरांगनाओं की भूमि है, अपने शौर्य और पराक्रम के लिए जानी जाती है, अपनी भक्ति और शक्ति के लिए और अपने आतिथ्य सत्कार के लिए जानी जाती है, आज उस राजस्थान की धरती, राजस्थान के अंदर कांग्रेस नेतृत्व की सरकार के भ्रष्टाचार और अराजकता के कारण करा रही है, पीड़ा में है। इस पीड़ा से उभारने के लिए डबल इंजन की सरकार विधानसभा चुनाव में आपका एक बार फिर से आह्वान करने के लिए आपके पास आई है। भाइयों बहनों हम सब जानते हैं एक और भारत, नया भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बन रहा है। ये नया भारत दुनिया में सम्मान बन रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया में जहां कहीं जाते हैं आज हम सब जानते हैं, वहां पर पूरी दुनिया पलक पावड़े बिछा करके प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करती है, उनका स्वागत करती है। ये स्वागत मोदी जी के साथ साथ 142 करोड़ भारतीयों का स्वागत होता है। देश की सीमाएं सुरक्षित हो रही हैं, अब आतंकी घुसपैठ नहीं हो सकती, कोई अव्यवस्था और अराजकता नहीं फैला सकता, कोई कहीं आतंकी वारदात नहीं कर सकता, क्योंकि नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। ये नया भारत है और इसी नए भारत का एहसास कराने के लिए भाइयों बहनों आपका तो मैं अभिनंदन करूंगा कि आपने यहां से महर्षि जी को चुनाव जिता करके भेजा, लेकिन भाइयों बहनों अगर पूरे राजस्थान में जनादेश मिला होता तो ये पीड़ा नहीं होती। आज राजस्थान कहां जा रहा है, एक तरफ केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकास के नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, रैपिड रेल, एयरपोर्ट, एम्स, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, आईआईटी, आईएम, हर घर नल की योजना, ये सब योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू हो रही हैं। दूसरी ओर विकास की नित नई योजनाओं को लेकर के केंद्र की सरकार आ रही है, लेकिन भाइयों बहनों ये पैसा दिल्ली से आता है, जयपुर में अटक करके फिर बंदरबांट हो जा रहा है। भ्रष्टाचार में राजस्थान नंबर एक, महिला अपराध में नंबर एक, साइबर अपराध में नंबर एक, डीजल और पेट्रोल पर वैट लेने में नंबर एक, बिजली की महंगा बिजली की दरों को बढ़ाने में नंबर एक, और यही नहीं महंगाई इंडेक्स में भी नंबर एक, और युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हुए पेपर लीक की सर्वाधिक घटनाएं राजस्थान में हो रही है। हर मोर्चे पर विफल है सरकार,
यहाँ पे माफिया पनप रहा है, खनन माफिया, भू माफिया, वन माफिया, पशु माफिया, संगठित अपराध में संलिप्त माफिया। और इसी माफिया के लिए भाइयों बहनों हमने उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बनाया है। बुलडोजर, ये बुलडोजर विकास भी कराता है और माफिया को रौंदते हुए उनकी संपत्ति को भी जब्त करते हुए आगे बढ़ता है। और इसीलिए आज आपके पास आया हूं। भाजपा की सरकार गरीब कल्याणकारी योजनाओं का काम किस रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किया है, किसी से छुपा हुआ नहीं। जो काम 55 वर्षों में कांग्रेस नहीं कर पाई, मात्र 9 वर्ष में 4 करोड़ गरीबों के लिए मकान, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय, 4 करोड़ गरीबों के घर में बिजली के निःशुल्क कनेक्शन, 9 करोड़ 60 लाख गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना के रसोई गैस के कनेक्शन, 7 करोड़ गरीबों के घर में हर घर नल से पानी, और भाइयों बहनों 12 करोड़ किसानों को, अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का 6,000 रुपए हर वर्ष उनके खाते में जा रहा है। 50 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी मिल रहा है। और भाइयों बहनों 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन, कोरोना काल खंड में तो मिला, अगले 5 वर्ष तक प्राप्त होता रहेगा। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का वायदा है। भाइयों बहनों कांग्रेस होती तो क्या वैक्सीन आ पाता? कभी नहीं आता, कोरोना का वैक्सीन कभी नहीं आता। और आपने अविनेश महर्षि जी को पिछली बार चुनाव जिता के भेजा, अकेले जनप्रतिनिधि जो जनता जनार्दन की सेवा में जान की परवाह के बगैर कोरोना कालखंड में कार्य करते रहे, लगातार लगे रहे, कांग्रेस की राजकता के खिलाफ जूझते रहे। और इसी जूझने का परिणाम है जो आपका संकल्प था 2018 में हम लोग आए थे, कुछ संकोच कर रहे थे कि पता नहीं आगे क्या होना है। और भाइयों बहनों इस बार हम आके आए हैं। पिछली बार हमने जो कहा था, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, बन गया ना, बन गया है ना। अच्छा मुझे बताओ रतनगढ़ से कितने लोग अयोध्या आने के इच्छुक हैं? 22 जनवरी के बाद कितने लोग चलेंगे? भाइयों बहनों मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूं, आप अविनेश महर्षि को एक बार फिर से जयपुर विधानसभा भेजिए, अपना आशीर्वाद रूपी वोट कमल चुनाव चिन्ह पर उनको दीजिए। और 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी के कमलों से 500 वर्षों के बाद रामलला अपनी जन्मभूमि पर फिर से विराजमान होने वाले हैं। सब लोग खुश हैं ना? तो रामलला का आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो, ये जिम्मेदारी अविनेश महर्षि जी को 22 जनवरी के बाद हम लोग भी देने जा रहे हैं। आप सहमत हैं? सभी लोग तैयार हैं? चुनाव जिता करके भेजेंगे, भारी बहुमत से जिता करके भेजेंगे, तो फिर मेरे साथ दो